एटा के गांव नगला फतेह में भाजपा सरकार और फौजी रास मोहम्मद के बीच मारपीट हुई। तो ये तो रोज सवार हो जाएगा मोह से ना को बकसा को का जो वैसे को ना बकसो वान तो वाला लड़का है सिर फटाया वो बुला के लाया ना बाबू ना बकसो जाए तो बकसे को जाए कि खेला तो करो अदो के जा के छोटे के जो इंटरनेशनल पेपर दिए वो अच्छे कर दिए छोटो बटालियन ये कंपनी जिला बीजापुर में नक्सल क्षेत्र में तैनात हूं। उसके बावजूद मैं छुट्टी लेके आया, मेरे भाइयों को 8 मार्च को उन्होंने घेर लिया। मैंने इसकी सूचना अभी 15/3/2017 को मैंने एसओ साहब डायरेक्ट आगे दी, क्योंकि मेरे भाइयों की सुरक्षा नहीं है और मुझे कुछ भी हो सकता है, ये सूचना मैंने एसओ साहब को आके बताई। इसके बावजूद मैं अपने घर से निकला, एसओ साहब ने कहा कि चलो तुम जाओ हम उन्हें वो कर देंगे। घर से निकला, घर से निकलने के बाद अपने सैयद पे आ रहा था मैं, रास्ते में इसकी मम्मी और इसके पापा ने और विप्रेस पालसी ग्रुप बोना ने मुझे रास्ते में घेर लिया और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ लाठी डंडे की बरसात कर दी। समस्या में अकेला हो तो आप बताने देंगे कौन सी समस्या है? आप मैं मुस्लिम समाज से हूँ और जो लोगों ने आपके साथ मारपीट की है वो कुछ समाज से विप्रेस पाल सिंह ग्रुप बोना नगला फतेह ठाकुर से हैं ये। अच्छा, इनके पिता का नाम राजपाल सिंह सनोक श्री राजू सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ आर्मर्ड फोर्स की 18 बटालियन एक कंपनी और मेरे डीजी का नाम ईयर उपाध्याय है।